हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं बशीर। सो गाइस, औकात में आया बांग्लादेश, भारत का बदला शुरू। तो भाई साहब, बांग्लादेश को अपनी औकात में ले आया, भारत ने बदला लेना भी स्टार्ट कर दिया अपना। कैसे सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जी चिल्स का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। क्या बांग्लादेश के नई सरकार को उखाड़ने के लिए भारत ने प्लान तैयार कर लिया है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं ने प्रदर्शन तेज किया तो अचानक रोने क्यों लगे मोहम्मद यूनुस? दो दिन में ही भारत ने बांग्लादेश के नए सरकार की अकड़ कैसे निकाल दी? बांग्लादेश के हिंदुओं की मांग के सामने मोहम्मद यूनुस को क्यों झुकना पड़ा? क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात होने वाले हैं? इसे लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने क्या कहा, उसे पूरे देश को जरूर सुन लेना चाहिए। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, नई सरकार का पदभार संभालते ही दंगाई छात्रों और नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनुस की गर्मी बढ़ गई है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं ने कुछ ऐसा कांड किया है और फिर उसके बाद पीएम मोदी और यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश का ऐसा बैंड बजाया है कि अब मोहम्मद यूनुस रोने लगा है और छात्र दंगाई नेता बैकफुट पर जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक अब एकजुट हो गए हैं। इधर से भारतीय सेना भी तैयार है और बांग्लादेश के आसपास भारत अपने 12 मिलिट्री बेस पर बेहद आक्रामक मूड में है। भारत के गर्म तेवर को देखते हुए बांग्लादेशी छात्र और प्रोफेसर यूनुस की गर्मी अब ठंडी पड़ रही है। इसके अलावा अचानक भारत में बांग्लादेशियों पर हमले तेज हो गए हैं और कई जगह पर उन्हें मारा पीटा गया, उनके घरों को जला दिया गया, जिसे देखते हुए बांग्लादेश की गर्मी शांत हो गई है। 10 अगस्त को बांग्लादेश में लाखों हिंदू और अल्पसंख्यक लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए और अपनी एकता दिखाई। इस ताकत को देखकर पहली बार बांग्लादेश के दंगाइयों के मन में डर पैदा हुआ है। उन्हें यकीन हो रहा है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता गया तो फिर भारत अपनी सेना लेकर 1971 का इतिहास दोहरा देगा। और इस बार भारत सरकार में कांग्रेस का कोई सेक्युलर नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए जान की बाजी लगाने वाले बैठे हुए हैं, जो पलक झपकते ही बांग्लादेश को नागासाकी बना सकते हैं। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है और दूसरे बड़े शहर चटगांव में भी लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतरे और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। वहां के अल्पसंख्यकों को कोई यकीन नहीं है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि शेख हसीना ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसके बाद यह माना जा रहा है कि उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत की मोदी सरकार अजीत डोवाल और जयशंकर के साथ मिलकर रात दिन एक कर चुके हैं। अगर शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनती है तो भारत के इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी दोनों सलामत रहेंगे। इसलिए यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मोदी सरकार ने एक बेहद गुप्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत यह कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बगल में चीन और पाकिस्तान के दंगाई और आतंकी नोबेल पुरस्कार का मुखौटा पहनकर सरकार बना ले। भारत इंतजार में है और आप देखते रहिए, 1971 से भी भयानक एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और इस ऑपरेशन में भारत किसी की मदद नहीं लेगा बल्कि अपने बूते पर बांग्लादेश के कट्टर पंतियों को औकात दिखाएगा। लगातार हिंदुओं को काटा गया, हिंदू महिलाओं के साथ दर्दनाक कांड किए गए, लेकिन अब जब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तब मोहम्मद यूनुस की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने भी इस हिंसा पर नाराजगी जताई और इसे गलत बताया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इतनी लंबी मौन के बाद आखिर इनकी अकल क्यों ठिकाने लगी है? अगर पीएम मोदी यूनुस को धमकी ना देते तो फिर वे इस तरह का भावुक बयान भी नहीं देते। इतने लंबे समय के बाद अब जाकर नई सरकार के मुखिया यूनुस ने आंदोलन कर रहे छात्रों से अपील की है कि वे अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदायों के लोगों की सुरक्षा करें। उन्होंने कहा, यह भी हमारे देश के लोग हैं। जब हमने देश बचाया तो क्या हम इन परिवारों को नहीं बचा सकते? हमें कहना चाहिए कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यह भी हमारे भाई हैं, हम साथ लड़े हैं और साथ ही रहेंगे। माना जा रहा है कि भारत के एक्शन के बाद यूनुस की अकल ठिकाने लगी है। भारत ने अपने मिलिट्री बेस पर और बॉर्डर पर जिस प्रकार तैनाती बढ़ाई है उसे देखते हुए बांग्लादेश की नई सरकार को 1971 याद आ गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 205 हिंसा की घटनाएं हो चुकी है। हिंदू महिलाओं के साथ निंदनीय काम किए गए, लेकिन अब तक नोबेल विजेता यूनुस की आंखें नहीं खुली थी, लेकिन मोदी की धमकी के बाद उनकी अकल ठिकाने लगी है। लंबे समय से चल रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं और कई के घर तबाह हो गए, कई हिंदू मंदिर भी निशाना बने हैं। इस हिंसा में शेख हसीना की पार्टी के 2 हिंदू नेताओं की हत्या भी हुई है। इसी कारण बांग्लादेश के हिंदू अब सड़क पर उतर चुके हैं और उन्होंने ठान लिया है कि अपना हक वापस लेकर ही दम लेंगे। 10 अगस्त को हुए विरोध प्रदर्शन में हिंदू प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। साथ ही अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बनाए जाने की भी मांग की गई। आगे जानेंगे कि क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में होने वाली है और इसको लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने कौन सा बयान दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीजल्स पर। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मेन जो खबर थी ये कि भारत ने अभी फुल एक एंग्री मूड में इस टाइम भारत आया, और वो नहीं कि मतलब फोर्सेस बढ़ा दिए हैं बॉर्डर पे, उसके बाद उनको धमकी दी है, और अभी इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि ये जो कट्टरपंथियों की सरकार है वो ना बने। कट्टरपंथी मतलब इनकी सरकार को हटाकर कोई ऐसा बंदा आए जो दोनों देशों के साथ दोनों देशों का करे, मुझे ये लग रहा है जिस तरीके से भारत ऐसा, और ऐसा भारत अब उधर लाना चाहता है लीडर जो भाई जो हिंदुओं के साथ कुछ न होने दे। हाँ। क्योंकि भारत के लिए सीधी सी बात है, पूरी दुनिया में अगर हिंदुओं का घर कोई माना जाता है वो भारत है। बिल्कुल, ये आप कोई भी बात इस चीज को नहीं, पूरी दुनिया में माना जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली घर बन जाता है हिंदुओं का भारत। हाँ भाई, वो लगता है इंडिया में बांग्लादेशियों को धोया तो वो और डरे वो भी भाई। और दूसरी मैं आपको एक बात बोलने लगा हूँ, अगर भारत चाहे तो ये चीज कर सकता है, शेख हसीना आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो खत्म हो चुकी है। इंडिया चाहे तो, इंडिया अगर चाहे तो कर सकता है, उसके बेटे को लगा दिया है, किसी और को लगा दिया लीडर बना के, नहीं तो शेख हसीना की सियासत खत्म। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कोई कंट्री कोई काम कर रहा होता है ना, जिस तरह इंडिया है वो बताकर नहीं कर रहा, मुझसे लिख के ले लो, आज से 1-2 साल बाद शेख हसीना को ये सारे फिर याद करेंगे। मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके की तरक्की शेख हसीना करा रही थी ना मुल्क की, वो देखने वाली थी भाई। यार देखो, कोई भी कंट्री हो, जब एक दफा आवाम सड़कों पर निकल आती है ना, उसको संभलते संभलते सालों लग जाते हैं। श्रीलंका को देख लो, उसके बाद और देशों को देख लो, अगर अभी भी यही अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं कर ले, वरना सालों लग जाता है ब्रेक पर आते आते। तो आपका क्या सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग लाजमी दीजिएगा, हम आपकी राय का वेट करेंगे। और दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि भारत आपको मदद भारत को करवानी चाहिए उधर एक अच्छी सरकार लाने में? मेरे लिहाज से तो करवानी चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल देश है, तो भारत ये कर सकता है। बिल्कुल, आपके लिहाज से क्या कहना है, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा अपना। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।